आज 23वां दिन है, आज इसराइल और हमास के बीच युद्ध का 23वां दिन, और आज इस युद्ध पर दुनिया से सवाल ये कि सभ्यता और सनक के महायुद्ध में आप किस तरफ हैं और किसके साथ खड़े हैं। आप जानते सवाल ये क्यों उठ रहे हैं, ये सनक और सभ्यता का जो युद्ध हो रहा है ना, ये सनकी हैं सारे आतंकवादी, क्योंकि अब क्या हुआ है, अब आतंकवादी संगठन हमास के हमदर्दों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में 23 दिन से जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि ये यहूदियों के विरुद्ध युद्ध था। और ये तस्वीरें हम आपको बताएं क्या है ये सब। इस लड़ाई के लिए 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में घुसकर यहूदी बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों से क्रूरता की हदें पार की, और अब हमास के हमदर्दों ने पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छेड़ दिया, लड़ाई छेड़ दिया। हमास के इन हमदर्दों ने कल रात, सुनिए क्या किया है, कल रात रूस में भी यहूदियों की लिंचिंग की कोशिश की गई। रूस के दागेस्तान के एक हवाई अड्डे पर मजहबी मजहबी नारेबाजी की गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए बेकाबू भीड़ अंदर घुसी। हमास के हमदर्द फ्लाइट में, एयरपोर्ट में घुसे, फ्लाइट में वहां पर यहूदियों को पागलों की तरह ढूंढने लगे। ये देखिए तस्वीरें, एयरपोर्ट के अंदर घुसे, रनवे तक पहुंच गए, तोड़फोड़ हुआ। इनको पता लग गया था कि तेल अवीव से कोई फ्लाइट लैंड हो गई है, इनको आइडिया हुआ कि तेल अवीव से कोई फ्लाइट लैंड हो गई है जिसमें संभवतः यहूदी यहां पर आ गए हैं। फिर ये देखिए, सारे जितने लोग हैं सारे एयरपोर्ट पहुंच गए, एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, रनवे तक पहुंचे, फ्लाइटों में उनको ढूंढा कि कहीं यहूदी एक आधा यहूदी इनको मिल जाए। रूस के दागेस्तान में उतरी फ्लाइट पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्लाइट इसराइल से आई थी, इनको पता लग गया तेल अवीव से इसराइल से फ्लाइट आई है, इसलिए इसराइल के समर्थकों को लगा कि इस फ्लाइट में इसराइल के यहूदी हो सकते हैं। फिर क्या, इसी जानकारी के बाद हमास की मजहबी मानसिकता वाली भीड़ ने एयरपोर्ट को घेर लिया, एयरपोर्ट को, और भीड़ फ्लाइट में लोगों से पूछने लगी कि उसमें यहूदी कौन कौन है। ये कट्टरपंथी लोगों के पासपोर्ट चेक करने लगे और चीखने लगे कि यहूदी कहां है, यानी कि कोई यहूदी अगर उस वक्त हमास के इन वैचारिक समर्थकों के हत्थे चढ़ जाता तो उसकी लिंचिंग तय थी। अब इस घटना के बाद जानते हैं स्थिति यह हो गई है कि इसराइल को रूस से तुरंत संपर्क करना पड़ा, सुनिए क्या खबर है ये। उसके बाद इसराइल को रूस से तुरंत संपर्क करना पड़ा, ये देख रहे हैं आप, ये सारे एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, इनको पता लगा तेल अवीव से फ्लाइट आ गई, सारे पहुंच गए वहां पर कि कोई यहूदी इनके हाथ एक बार हत्थे चढ़ जाए। इसराइल के लोगों की सुरक्षा हो और उनकी अपील करनी पड़ी इसराइल को। इसके बाद रूस के दागेस्तान एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, पूरा एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद कर, हॉस्टेज टाइप सिचुएशन थी यहां पर। बताते हैं क्यों, ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जहां भी मुस्लिम आबादी दरअसल ज्यादा है वहां यहूदियों की जान अब खतरे में है। ये बात समझने के लिए आपको दागेस्तान की डेमोग्राफी भी समझनी चाहिए, जो दागेस्तान, जो बार बार मैं शब्द बोल रहा हूं ना, दागेस्तान की कुल जनसंख्या करीब 32 लाख है। रूस के दागेस्तान में खतरे में यहूदी जो एयरपोर्ट, क्यों, ये दागेस्तान की डेमोग्राफी, कुल आबादी है 32 लाख, और 32 लाख की आबादी में 82% मुस्लिम है, 82%, और 82% मुसलमानों में भी सुन्नी मुसलमानों की संख्या 70% से ज्यादा है। और इनको पता लगा तेल अवीव से फ्लाइट आ गई है दागेस्तान, सारे वहां पर बताया जा रहा है एयरपोर्ट के अंदर घुस गए और फिर ढूंढने लगे वहां पर। अच्छा, इसी मुस्लिम आबादी से जुड़े लोगों ने यहूदियों की तलाश में अपने ही देश का सिर पूरी दुनिया के सामने झुका दिया, दागेस्तान, रूस। कट्टरपंथियों की भीड़ यहूदियों को पागलों की तरह वहां पर ढूंढने लगी एयरपोर्ट पर। इन लोगों ने हाथों में कुछ तख्तियां भी ली हुई थी जिन पर लिखा था कि दागेस्तान में बच्चों के हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यहूदियों की लिंचिंग की कोशिश करने वाले दागेस्तान के कट्टरपंथियों से हम ये पूछना और ये बताना चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ गाजा पट्टी में नहीं मारे गए भाई, बच्चे तो इसराइल में मारे गए बल्कि बहुत ज्यादा क्रूरता से, और अगर वहां की रिपोर्ट्स को सही माना जाए तो सर भी काटे गए, वो सारी चीजें हैं रिपोर्ट्स। इसके अलावा इसराइल की मोसाद कमेंट्री नाम की सरकारी संस्था का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी एक घर में घुसे, पिता की हत्या की, मासूम बच्चे को जिंदा ओवन में डाल दिया, बच्चा जब तक जलता रहा तब तक आतंकवादी उसकी मां का रेप करते रहे।
खुद सोचिए, इससे ज्यादा क्रूरता और हैवानियत मतलब और क्या हो। हमास की हैवानियत की ये अकेली घटना नहीं है। 7 अक्टूबर के दिन हमास ने क्रूरता से भरे ऐसे सैकड़ों कुकर्म किए, फिर भी दुनिया के कई मुस्लिम देश, मुस्लिम संगठन और आतंकवादी संगठनों की हमदर्दी। इसराइल के बच्चों के लिए क्यों नहीं है? भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम भी मानते हैं, तो फिर इसराइल के बच्चों के लिए सहानुभूति क्यों नहीं? बल्कि हमास के साथ कुछ लोग हैं। अच्छा, इसराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन तो पहले एक हो चुके हैं। और आप खबर सुनिए सबसे बड़ी, आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने हमास के समर्थन में पूरी दुनिया में यहूदियों और इसराइल के सहयोगियों पर हमला करने के निर्देश जारी कर दिए। जी हां, आईएसआईएस। इसका मतलब आप समझिए यह कि भारत समेत पूरी दुनिया में यहूदी इसराइल के दूतावास और इसराइल का समर्थन करने वाले देशों के दूतावास पर अटैक हो सकते हैं। आईएसआईएस ने कहा दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ हमले हो। आईएसआईएस का खतरा भारत में इसलिए भी संभव है क्योंकि भारत की आस्तीन में हमास के कई सांप पल रहे हैं। ये कई सपोले हैं भारत में भी हमास के। अच्छा, एक और चीज सुनिए, से भारत और रूस ही नहीं, हमास के हमदर्दों का खतरा उन यूरोप के उन देशों को भी है जिन्होंने मानवता के आधार पर कई देशों से शरणार्थी बसाए, और अब उन देशों में ही हमास के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हमास के समर्थन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, वैसे तो फ्रांस ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में रैली पर रोक लगा दी है, लेकिन फ्रांस समेत कई देशों में यहूदियों और इसराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के देशों में जहां जहां यहूदी हैं उनके खिलाफ हेट क्राइम बढ़ गया। मैं कुछ आंकड़े देता हूं आपको। खुद ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन में यहूदियों के खिलाफ 408 हेट क्राइम के मामले दर्ज हुए। पिछले साल जानते हैं संख्या कितनी थी? सिर्फ 28 से 408। अमेरिका में भी गाजा युद्ध शुरू होने के बाद यहूदियों के खिलाफ हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं। अमेरिका में पिछले एक साल में धर्म आधारित घटनाओं में यहूदियों के खिलाफ सबसे ज्यादा यानी कि करीब 32% थे, जबकि मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम 9%। इसका मतलब यह है कि जिन देशों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां यहूदियों पर खतरा है, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई। जबकि गाजा युद्ध को लेकर हमास के हमदर्दों का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि गाजा को वो तो जमीन की जंग बताते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ मजहबी ये जो कट्टर वॉर चल रहा है, इसी मजहबी युद्ध के लिए हमास के शैतानों को टर्की जैसा देश फ्रीडम फाइटर बताता है। पूरी दुनिया में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां मुस्लिम संगठनों ने हमास की क्रूरता के खिलाफ छोटा सा भी प्रदर्शन किया, छोटा सा भी। वैसे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये हम भी मानते हैं, लेकिन फिर उनके समर्थन या उनके विरोध में अब तक कोई प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर ये बड़ा सवाल आज भी सबके सामने।